हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीसी अकाउंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट देख लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 24, बुक का पेज नंबर है 1.64, ठीक है। टीएस ग्रीवाल, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पांच केस है, ठीक है। तो केस नंबर वन को पहले हम लोग सोल्व करते हैं। क्या दिया है केस वन में, सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021 कितना दे दिया है, 2,50,000। सेकेंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021, यानी कि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022, ठीक है। तो देखो यहां पे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, केस वन में कितना दे दिया है, 2,50,000, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग कितना दे दिया है, 6,000। तो वो हमारा क्या होता है, प्लस होता है। और थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022। इसका मतलब ये है कि आप 2021 का अकाउंटिंग कर रहे हैं और 2022 का पैसा आपको मिल गया है, 2022 का। तो इसको हम लोग बोलेंगे एडवांस एट एंडिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवांस एट एंडिंग, क्योंकि 2022 का पैसा 2021 में मिला हुआ है। एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022, यानी कि 2022 के लिए ये पैसा एडवांस हुआ है, कितना, 5,000, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द बिगिनिंग क्या है, जीरो है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग क्या है, जीरो है। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट एंड कितना है, 5,000। तो यह हमारा क्या होगा, माइनस होगा। 2022 का पैसा, 2022 का पैसा 2021 में मिला है, यानी कि 2022 के लिए एडवांस हुआ है ना, तो एडवांस एट इंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2,50,000 और 656 में से 5 गया, 251, 2,51,000। केस नंबर वन खत्म, क्लियर है। केस टू में आ जाओ, सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कितना दे दिया है, 49,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देखो इसको हम एनालिसिस करते हैं। ये रहा 2021, तो 2021 में आप कितना पैसा रिसीव कर लिए हैं, 49,000। तो सेकेंड पॉइंट में बोल क्या रहा है कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 2021 का पैसा, 2021 का पैसा 2020 में ही आप कलेक्ट कर लिए हो, कितना, 3,000। यानी कि ये हमारा जो है 2021 का पैसा, अगर बाबू मेरे 2020 में तुम रिसीव कर लिए हो, तो ये हमारे लिए क्या है, एडवांस है। और ये एडवांस कौन सा है, तो 2021 के लिए 2020 में अगर ये एडवांस हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, एडवांस एट बिगिनिंग होगा, क्योंकि 2021 का पैसा 2020 में आप कलेक्ट कर लिए हो, तो 2021 का ये क्या होगा, बिगिनिंग होगा। तो 2021 का पैसा जो 3,000 ये बिगिनिंग में एडवांस मिला है, ये हमारा क्या होगा, तो एडवांस एट बिगिनिंग हमारा क्या होता है, एडवांस एट बिगिनिंग हमारा क्या होता है, प्लस, 3,000 प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे दिया है करेंट ईयर का, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे दिया है, कितना,
2000, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 2000, तो इसको प्लस कर दो, बाकी सब क्या है, बाकी सब नील, ये भी नील, ये भी नील, तो 49 और 3 52 और 49 और ये 2 कितना हो गया 49 और 2 51 और 3 54, 54,000। केस टू खत्म। फिर उसके बाद केस थ्री में क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021, 25,000 गिवेन है। ये बहुत सिंपल है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इंडेड 31/3/2021, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हमारा क्या होता है, सीधा सीधा नॉर्मल क्या कर दो, नॉर्मल क्या कर दो, 3000 को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है कितना 5000, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको आप सोल्व कर दो, तो 25 और 5 30, 30 में से 3 गया, कितना बचा 27,000, और ये तो हमारा ऑलरेडी नील था, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द क्या एंडिंग हमारा नील था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 3000 आपको ऑलरेडी समझा दिए थे, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट बिगिनिंग भी हमारा क्या था इसमें क्वेश्चन में नील है, तो नील कर देंगे। अब आते हैं केस फोर में, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना दे दिया है 80,000 दे दिया है। पॉइंट नंबर टू, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2021, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द क्या है, बिगिनिंग है नॉर्मल, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हमारा क्या होता है माइनस, तो कितना दे दिया है अमाउंट 5000 दे दिया है, तो इस 5000 को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। थर्ड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर इंडेड 31/3/2021, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग दिया है 2021 का कितना 8000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग हमारा क्या होता है प्लस होता है। फिर उसके बाद केस फोर, केस फोर का फोर पॉइंट देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022, क्या है ये पॉइंट, तो देखिए आप अकाउंट बना रहे हैं 2021 का, आप अकाउंट बना रहे हैं, क्या क्वेश्चन में लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022, यानी कि 2022 का पैसा आपको कब मिल गया है 2021 में मिला है, यानी कि इसको हम लोग बाबू लोग क्या बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं। अब ये एडवांस हुआ है तो एडवांस कब हुआ होगा, 21 के एंड में हुआ होगा, 21 के एंड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड कितना हुआ है तो 2022 का पैसा हमको 2021 के एंड में मिला है, यानी कि 2022 का पैसा हमको 2021 के एंड में मिला है, तो ये हमारा क्या होगा बोलो, तो एडवांस एट द एंडिंग हमारा क्या होता है माइनस होता है, तो देखो माइनस कर दो, तो एडवांस एट द एंडिंग 2000 इसको क्या कर दो आप माइनस कर दो, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट बिगिनिंग हमारा क्या है जीरो है, तो इसको प्लस माइनस करो, प्लस माइनस इसको करो, तो 80 और 8 88, 88 में से 7000 माइनस कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 81,000 निकल गया हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। अब आ जाओ आप लोग केस नंबर 5 में, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना दे दिया है 90,000 मैंने लिख रखा है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020, देखो इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोग अकाउंट कब का बना रहे हैं 2021 का, तो 2021 में हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किए हैं 90,000 कर लिए हैं, तो सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020, तो ये हमारा क्या है 2020 का आउटस्टैंडिंग है, तो 2021 के लिए क्या कहलाएगा बिगिनिंग कहलाएगा,
सिंपल सा बात है। देखो ये है हमारा 2020, तो 2020 का एंडिंग हमारा ये है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कितना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारा 5000। तो ये जो है बकाया है, तो ये पैसा जा करके 2021 में मिला होगा, 2021 में मिला होगा। जैसे मान के चलो कि तुम क्लास 11 में है, तुम्हारा अभी भी मेरे पास कितना पैसा बाकी है, 5000 मांग रहे हैं, तुम अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया। तो ये जो 5000 रुपया जो है इसमें ये शामिल है, तो क्या ये 2021 का इनकम कहलाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, यानी कि आउटस्टैंडिंग। एक और चीज आप देख सकते हो कि 2020 का एंडिंग, यानी कि क्वेश्चन को देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का एंडिंग, यानी कि यहां पर मेरा 5000 रुपया बाकी है, तो ये जो है इसमें शामिल है। क्योंकि अगर ये एजम्पशन हमारा ये कि हमको मिला होगा पैसा, तो मिला होगा तो क्या ये 2021 का इनकम कहलाएगा क्या? तुम मेरे पास 11 में पढ़ रहे हो बाबू मेरे, तो 11 का पैसा अगर हमको 2021 में मिला है तो मेरा क्या कहलाएगा? 2020 का ना इनकम कहलाएगा, 2021 का तो इनकम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिगनिंग कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग। तो बिगनिंग हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा, 5000 सीधा सीधा क्या कर दो, माइनस कर। सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 2020 का एंडिंग, 2020 का एंडिंग हमारा क्या होगा, तो 2020 का हमारा एंडिंग 2021 का क्या कहलाएगा, बिगिनिंग कहलाएगा। सिंपल सी बात है, तो देखो माइनस कर दिए। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 को एडवांस हो गया कितना, 3000। यानी कि देखो 31/3/2020 को अगर एडवांस हुआ है, यानी कि 2021 के लिए एडवांस हुआ होगा। अगर कोई मेरे को 31/3/2020 को कोई एडवांस करता है तो 2021 के लिए वो पैसा एडवांस हुआ होगा। तो 2021 के लिए अगर एडवांस हुआ है तो ये मेरे लिए 2021 के लिए क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। हुआ ये है कि तुम अभी क्लास 11 में हो और आप मेरे को 3000 रुपया एडवांस कर दी। आप बोले कि सर क्लास 12 भी आप ही से पढ़ना है, तो ये जो 3000 रुपया जो है जो आप मेरे को एडवांस कर रहे हो 31/3/2020 को, तो ये 2021 के लिए क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे समझो तुम अभी क्लास 11 में हो, अब क्लास 12 का पैसा क्लास 11 के इंड में दे रहे हो, यानी कि 12th के लिए वो पैसा मेरे लिए क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। यानी कि एडवांस एट द बिगिनिंग, जैसे ही कदम रखा तुम 12 में, मेरे को 11 क्लास का पैसा दे दिया, 12 क्लास का पैसा मेरे को तुम दे दिया, यानी कि ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। यानी कि एडवांस एट द बिगिनिंग मेरा कितना हो जाएगा, 3000 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021, अब देखो इस पॉइंट को, 31/3/2021 को एडवांस हुआ है, तो अगर तुमसे हम पूछते हैं कि 31/3/2021 को अगर कोई एडवांस तुमको करता है तो वो कब का पैसा तुमको दिया होगा, 2022 का पैसा दिया होगा। तो 2022 का पैसा तुमको कब मिल गया है, 31/3/2021 को मिला है। तो ये 31/3/2021 को तुम्हारा ये क्या है, एंडिंग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवांस एट द एंड बोल सकते हैं। तुम अभी क्लास 12 में है, तुम बीकॉम का पैसा 12 के एंड में दे दिया, बीकॉम का पैसा हमको कब दे दिया, 12 के एंड में दे दिया, यानी कि ये मेरा क्या है, एडवांस एट द एंडिंग है। तो क्या ये मेरा 2021 का इनकम कहलाएगा क्या,
बिल्कुल नहीं कहलाएगा, ये तो 2022 का इनकम कहलाएगा ना जी। अब 2022 का पैसा हमको 2021 में मिल गया है, किसके इन में मिल गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एट द एंडिंग हमारा माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा, तो 4000 माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखो फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ये मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है कितना 6000। तो इसको सीधा सीधा आंख बंद करके क्या कर दो, प्लस कर दो, तो प्लस माइनस करो। तो देखो 90 और 6 96 96 और 3 जोड़ दो है ना, 99 में 5 और 4 9000 माइनस कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपके बुक से, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, पेज नंबर 1.63, ठीक है, 19 बुक का पेज है 1.63, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग क्लब दिल्ली वर ₹4,09,000 इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड ₹10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 2020 का कितना शामिल है, 5 ईयर, और 2022 का 10,000। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट, यहां से ध्यान देना बच्चे, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2020 वर ₹8,000 वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर ₹18,000। अब देखिए इसको हम एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सबसे पहले तो आप देख लो जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 2021 में, वो है आपका 4,09,000। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग क्लब दिल्ली वर ₹4,09,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग रुपीज कितना, 5,000 बोलेंगे। फिर उसके बाद एंड ₹10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, यानी कि 2022 का कुछ पैसा शामिल है, कितना, तो 10,000। तो इसको हम लोग बोलेंगे एडवांस एट इंड बोलेंगे, गिवेन है 10,000। एडवांस एट ₹10,000, एडवांस एट इंड ₹10,000, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ₹15,000। तो इसको हम लोग बाबू पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितना, तो ₹15,000।
1000। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू ये वाला, ये देखो, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 वर रुपीज 8000। यानी कि जो आपका एक्चुअल आउटस्टैंडिंग है ना 5000 बाबू नहीं है, क्या है एक्चुअल आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग जो है वह है आपका 8000। द सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 वर रुपीज 8000। एक्चुअल आपका आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है 8000, ठीक है। उसके बाद वाइल जबकि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर रुपीज 18000। इसका मतलब यह है कि एडवांस एट बिगिनिंग कितना है बाबू, तो तुम्हारा 18000। तो देखो एडवांस एट बिगिनिंग तुम्हारे क्वेश्चन में गिवेन है, एडवांस एट एंडिंग तुम्हारे क्वेश्चन में गिवेन है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग 8000 गिवेन है। यानी कि तुमको कैलकुलेट क्या करना है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड, तो जो दिया है उसको पहले आप लिख लो, एडवांस एट एंडिंग, तो एडवांस एट सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट एंडिंग तुम्हारा कितना दे दिया है, तो एडवांस एट एंडिंग दे दिया है तुम्हारा बाबू 10000, तो ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट बिगिनिंग कितना है बाबू 8000 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट बिगिनिंग तुम्हारे क्वेश्चन से साफ साफ लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन द सेम डेट वर रुपीज 18000 31 मार्च 2020, यानी कि तुम्हारा बिगिनिंग का एडवांस है, तो इसको भी प्लस कर दो, ये भी तुम्हारा दिया हुआ है। एक पॉइंट आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। सर इसको क्यों कैलकुलेट करना पड़ रहा है, सर इसको इसलिए करना पड़ रहा है कि देखो ये पहला लाइन हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग क्लब दिल्ली वर रुपीज 4,09,000 including 5000 for the year ended 31 मार्च 2020। बोल रहा है क्या कि 2020 का 5000 जो है ना शामिल है किस पैसे में, इस पैसे में शामिल है। लेकिन ये चीज तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ रहे हो, जब ये लाइन आप पढ़ रहे हो, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020, यहां भी 2020 का पैसा और ये भी 2020 का पैसा, ये क्या मामला है। यानी कि एक्चुअल मेरा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हम क्या कंसिडर करेंगे 8000। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर होते जाएगा 8000। यानी कि यहां पर मेरे पास दो स्टूडेंट रहे होंगे, हम ऐसा मान लेते हैं। एक स्टूडेंट के पास कितना बाकी था, 5000 बाकी था, क्योंकि बोल रहा है क्या 8000 एट द बिगिनिंग, और इसमें यानी कि एक स्टूडेंट के पास मेरा कितना रहा होगा 3000। तो ये वाला जो पैसा है 5000, इसमें क्या है इंक्लूडेड बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसमें इंक्लूड, देखो इंक्लूड रुपीज 5000, यानी कि ये वाला पैसा मेरा क्या इसमें शामिल है। यानी कि यहां पर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग बोल रहा है 8000, तो इसका मतलब कि क्लास 11 में मेरे पास दो स्टूडेंट रहे होंगे, तो दो स्टूडेंट में एक स्टूडेंट का 5000 रुपया जो है बाबू इस 4,09,000 रुपये में शामिल है। यानी कि मेरा 5000 एक्चुअल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं है, अगर ये रहता तो फिर ये नहीं होता। तो एक स्टूडेंट का
पैसा इसमें ऑलरेडी शामिल है, यानी कि मेरे को 5000 रुपया मिल चुका है, तो और मेरा यानी कि 3000 रुपया मेरा क्या नहीं मिला है। तो हम क्या बोले थे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सर एट का मतलब क्या होता है, तो एट का मतलब ये हम आप लोग को बताए थे कि क्लास 11 का पैसा प्लस क्लास 12 का पैसा। तो क्लास 12 का जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर द ईयर बोलते हैं, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर का। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन गया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड बन गया था। तो देखो ये 3000, तो ला करके अगर हम यहां पे 3000 को जोड़ देंगे तो मेरा बन जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड 18000। क्लियर कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस। सब्सक्रिप्शन का मतलब बाबू प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है। देखो ये पॉइंट अच्छा है, देखो कुछ नहीं बारीकी से सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना है। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020, 2020 का रुपीज 8000 जो मेरा क्या है बकाया है, यानी कि 2020 में एक्चुअल मेरा पैसा कितना बाकी है, 8000 बाकी है, ठीक है, जिसमें कि 8000, तो इसको हम 8000 को क्या किए हैं, ब्रेक कर दिए हैं दो पार्ट में। देखो जिसमें कि 5000 रुपया मेरा क्या है, इंक्लूड है, यानी मेरे को मिल चुका है, यानी कि एक स्टूडेंट जिसके पास मेरा 3000 रुपया बाकी था उससे अभी भी मेरा पैसा नहीं मिला है। तो नहीं मिला है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ला के यहां पर प्लस करके एट बनाए थे, याद आ रहा है कुछ थ्योरी जो हम पढ़ाते आप लोग को। तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंडिंग मेरा कितना हो गया, 18000। तो इसको आप प्लस माइनस करो, तो जब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4,27,000। प्लस माइनस करके देख लो आप लोग, चार लाख नौ हजार तुम्हारा बाबू छूट गया है टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। तो प्लस माइनस अगर आप लोग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करने के बाद, तो सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर आ जाएगा तुम्हारा 4,27,000, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बुक का पेज नंबर है आपका 1.64, टीएस ग्रीवाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीन नंबर में आ सकता है जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31/3/2021, ठीक है। देखो पहला ए नंबर, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर, सर एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग, एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। अकाउंट तुम कब का बना रहे हो, 31/3/2021 का, आउटस्टैंडिंग कब का दिया है, 2020 का, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। तो यानी कि ये रहा तुम्हारा 500, ठीक है, और ये माइनस होता है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 के लिए एडवांस हुआ है, 2020 में एडवांस हो गया है 2021 के लिए, मतलब 12 का पैसा तुम 11 क्लास में ही दे दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021, 2021 के लिए 2020 में तुम पैसा दे दिया है कितना, 1100। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवांस एट बिगिनिंग, क्या बोलेंगे, एडवांस एट बिगिनिंग, क्लियर है, एडवांस एट बिगिनिंग। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 35400 गिवेन है, ठीक है, 35400 रिसीव्ड हो चुका है।
जिसमें देखो क्या शामिल है, इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020, 2020 का कितना पैसा शामिल है इसमें, 400 शामिल है। उसके बाद देखो कॉमा रुपीज 1200 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022, यानी कि 2022 का तुम्हारा कुछ पैसा शामिल है, 2022 का कितना पैसा शामिल है तो 1200 शामिल है। अब तुम अकाउंट बना रहे हो बाबू मेरे 2021 का और 2022 का कुछ पैसा शामिल है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवांस एट इंड, क्योंकि क्लास 12 में अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो और बीकॉम का पैसा तुम दे दिया तो 12 के इंड में दिया होगा। फिर उसके बाद एंड रुपीज 300 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023, बीकॉम पार्ट वन का तो तुम पैसा दिया ही दिया, बीकॉम पार्ट टू का भी पैसा दे दिया। कितना, तो देखो 2023 का कितना पैसा दे दियो हो, तो 1200 2022 का था और इसका कितना है 300, यानी कि 1200 और प्लस 300 1500, यानी कि आप 1500 बाबू मेरे एडवांस एट द एंड कर दिए हो, तो इसको भी माइनस, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो निकालना किसको हम लोग को, ये तो देखो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021, फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, फॉर द ईयर कितना है 400, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग कितना था तुम्हारा 500, और उसके बाद एडवांस एट बिगिनिंग कितना था बाबू तुम्हारा 1100। तो इस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इस पर भी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, फॉर द ईयर, बार बार देखो फॉर द ईयर, यानी कि क्लास 12 का पैसा कितना बाकी है तुम्हारा 400, ठीक है। लेकिन सर ये देखिए, ये देखो इंक्लूडिंग 400 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग कितना है तुम्हारा 500 है, यानी कि हुआ क्या है, सोचना है थोड़ा सा, प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पास यानी कि क्लास 11 में कितने स्टूडेंट रहे होंगे, 2 स्टूडेंट रहे होंगे, जो पिछला क्वेश्चन हम बताए, जिसमें कि एक स्टूडेंट के पास मेरा कितना बकाया था 400 और एक स्टूडेंट के पास कितना बकाया था 100। देखो तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग 500 हो गया, जिसमें से कि बोल रहा है ना कि 400 जो है ना बाबू 2021 के सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में क्या है शामिल है, यानी कि ये मेरे को पैसा मिल चुका है, ये पैसा मेरे को मिल चुका है, यानी कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि 500 में से 400 हमको ऑलरेडी मिल गया है, 400 हमको ऑलरेडी मिल गया है, यानी कि अभी भी मेरा बकाया कितना है 100 रुपये हमको नहीं मिला है। तो देखो ना, फोर दिया है, बनाना क्या है, एट बनाना है ना, तो इस 100 रुपये को ला करके इसमें हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा बाबू मेरे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट इंड, क्या बोलते हो, नहीं बन जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत सिंपल समझो, बस सिंपल समझो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, चलो ठीक है माइनस कर दिए हम। लेकिन यहाँ पर देखो क्लू पकड़ना है इसको, देखो यहाँ पे ये देखो क्या बोल रहा है, क्लू दे रहा है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि मेरा 100 रुपया जो है, ये सॉरी 400 रुपया जो मेरा क्या है बाबू, 400 रुपया मेरा इंक्लूड है इसमें 35,400 में,
यानी कि मेरा एक्चुअल आउटस्टैंडिंग 500 है, यानी कि मेरे पास दो स्टूडेंट रहे होंगे, तो एक स्टूडेंट का पैसा मेरे को इंक्लूड है यानी कि मिल चुका है, यानी कि 100 रुपया मेरा अभी भी क्या है बाकी है, यानी कि नहीं मिला है। तो इस 11 क्लास के बच्चे वाला जो 100 रुपया शामिल है पिछले साल वाला, ला करके यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो मेरा ऐड बन जाएगा, क्या बोलते हो? तो देखो यहाँ पे ऐड बन गया, तो 500। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा बोलो? टोटल 35,000। नहीं आएगा 35,000? देखो आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू इनकम, सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021। ठीक है, अकाउंट कब का बना रहे हो? 2021 का। ये ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 2020 ये क्या कहलाएगा? ओपनिंग कहलाएगा। 31 मार्च 2021 क्या कहलाएगा? क्लोजिंग कहलाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है, देखो ना, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट बिगिनिंग, इसको बोल सकते हैं कितना? 50,000 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग बोल सकते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग कितना? 30,000, कोई दिक्कत? सिर्फ तुमको फुलफिल करना है। फिर उसके बाद 31 मार्च 2021, तो सब्सक्रिप्शंस इन एरियर 21 क्या है? क्लोजिंग है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट एंडिंग हमारा दे दिया है कितना? 25,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 70,000, यानी कि एंडिंग का एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंडिंग कितना? 70,000। ये भी हमारा माइनस होगा। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना दे दिया है तुम्हारा? 3 लाख। तो इसको भी यहां पर क्या पुट कर दो। लेकिन एक लाइन इसमें समझना, ये वाला लाइन देखो, क्या दिया हुआ सर? ये दिया हुआ बाबू, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर, स्टिल इन एरियर अभी तक फॉर द ईयर 2019-20 रुपीज कितना? 10,000। 2019-20 का पैसा, यानी कि हमारा करेंट ईयर क्या है बाबू? हमारा करेंट ईयर क्या है? 2021 है। लिखा क्या है कि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2019-20 रुपीज 10,000, यानी कि करेंट ईयर मेरा 2021 है। तो बताओ ना बाबू, प्रीवियस ईयर तुम्हारा क्या कहलाएगा? 2020। तो 2020 का अभी तक कितना पैसा बाकी है? 10,000 बाकी है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और क्या दे दिया है, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर रुपीज 25,000 करेंट ईयर का निकाल करके भी दे दिया आउटस्टैंडिंग। तो सर, प्रीवियस ईयर का अगर सब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एरियर रहेगा और स्टील रहेगा, तो यानी कि हम लोग ये समझेंगे कि जो पिछले साल का जो 10,000 रुपया बाबू बाकी है ना ये, और करेंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर निकाल करके दे देगा ना, तो समझना ना कि पिछले साल वाला पैसा इसमें ऑलरेडी क्या है? शामिल है। मतलब ये नहीं ना कि 25,000 इस साल का प्लस 10,000 ये 35,000, गलत हो जाएगा। अगर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकाल करके दे देता है तो तुम समझ लेना कि पिछले साल का जो पैसा बकाया था ये 10,000 जो लिख रहा है स्टिल इन एरियर, तो समझ लेना कि ये 10,000 रुपये इसमें ऑलरेडी क्या है? शामिल है। मतलब सर, तो देखो, करेंट ईयर का यानी कि करेंट ईयर का तुम्हारा बकाया कितना है? 15,000 कहलाएगा, और प्रीवियस ईयर का कितना कहलाएगा? 10,000। तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो देखो, तो मेरा 25,000 निकल जाता है। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं
कि जो ये स्टिल इन एरियर है 10,000 जो अभी तक बकाया है, तो हम बोल रहे हैं कि 25,000 में शामिल है। तो इस 25,000 से बाबू मेरे अगर हम पिछले साल वाला पैसा माइनस कर देते हैं तो क्या मेरा 15,000 रुपया जो है करेंट ईयर का बकाया निकल जाएगा, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर निकल जाएगा मेरा, क्या बोलते हो? बात क्लियर हो रही है? देखो ठीक है, अब इसको क्या करना है बाबू, प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस कीजिएगा तभी जाकर के आप सब्सक्रिप्शंस को समझ सकते हैं, वीडियो के स्किप गलती से भी नहीं करेंगे। अब इसके बाद और भी हम लोग अगले पार्ट में क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सब्सक्रिप्शंस का, ठीक है। अब सिर्फ हम लोग को प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर एंड बाय बाय टाटा।